दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया मुकाबला इतना ज्यादा खतरनाक होगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैसे तो बैंगलोर की टीम ने मजबूत स्कोर दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों का कहर शुरुआत से ऐसा टूटा कि एक तरफा इस मुकाबले में जीत हासिल करके बुरी तरह से बैंगलोर की टीम को पटखनी दे दी। वहीं दिल्ली की शानदार जीत के बाद सौरभ गांगुली का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम और विराट कोहली को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे जानकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। इस मुकाबले में बैंगलोर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी थी, विराट कोहली का बल्ला डुप्लेसिस के साथ फिर एक बार आग उगलता हुआ नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी। फाफ डुप्लेसिस ने अपनी टीम के लिए इस मुकाबले में 32 गेंदों में 45 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने भी 46 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। लॉन्ग ओवर मिडिल ऑर्डर में 29 गेंदों में 54 रन बना गई, जिसके चलते आरसीबी की टीम 20 ओवर में 181 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंच गई। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज आज अलग ही मंशा से मैदान पर उतरे थे। डेविड वार्नर और सॉल्ट के बीच जितनी खतरनाक बल्लेबाजी देखी गई कि शुरुआत से ही सभी गेंदबाजों का धागा खोल कर रख दिया। मोहम्मद सिराज हो या हर्षल पटेल या फिर हेजलवुड ही क्यों ना हो, सभी गेंदबाजों का ऐसा धागा खोला कि 5 ओवर में ही 60 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद डेविड वार्नर 14 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए, तो मिचेल मार्श ने भी 17 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली और एक तरफा उसके बाद दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। तो वहीं जीत से खुश टीम के कोच सौरभ गांगुली का बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने अपनी टीम के शानदार प्रदर्शन पर काफी ज्यादा खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, टीम का प्रदर्शन मुझे खुशी इस बात की है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ इतना अच्छा रहा, क्योंकि आरसीबी की टीम में सबसे ज्यादा एटीट्यूड देखा जाता है, फिर चाहे कोहली के अंदर हो या फिर सिराज के अंदर। आज फिल सॉल्ट ने सिराज से लड़ाई करी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आरसीबी के घमंड को हमारी टीम ने तोड़ा है, मैं इस जीत से काफी ज्यादा खुश हूं। और विराट कोहली जो खुद को किंग समझते हैं, इसे किंग नहीं कहा जाता। कोहली ने इस मुकाबले में 46 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, बावजूद उसके घमंड इतना ज्यादा है कि जैसे इससे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, और एटीट्यूड नाक पर ही रहता है, जबकि युवा खिलाड़ी भी आज के समय में विराट से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। खैर, हमारी टीम ने यह बदला विराट कोहली से लिया। मुझे खुशी इस बात की दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी विराट कोहली की टीम के सामने। इस तरह से सौरभ गांगुली ने अपना बयान जारी किया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कोहली की यह पारी धीमी थी या फिर ठीक? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।